गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मलिंद्र राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेगा सेलिब्रेशन हो रहा है और खूब सारे अच्छे अच्छे सेशंस हो रहे हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, ये जो सेलिब्रेशन है, इसमें हमारे बहुत ही सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर SP मंगला सर, जो हमारे पंजाब से ही हैं और अपने एरिया में और अपने एरिया से बाहर भी उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ उनके पास डेली पेशेंट का आता है। 2-4 मिनट से ज़्यादा वो जल्दी किसी पेशेंट को टाइम नहीं देते हैं, बस 2-4 मिनट का टाइम होता है, केस टेकिंग करते हैं, रेमेडी देते हैं। और इतने अक्यूट केसेस उनके पास आते हैं, इतने क्रॉनिक केसेस उनके पास आते हैं और सभी के लिए उनका क्राइटेरिया एक तरह से सेम ही रहता है और इतनी जल्दी रेमेडी को कैच करते हैं, आप मतलब इमेजिन नहीं करोगे कि स्टोन पेन का पेशेंट आ रहा है और इतना अनबियरेबल, इतना इनटॉलरेबल पेन उसको हो रहा है, वो वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं जाता है, हॉस्पिटल में नहीं जाता है। कई बार खुद से सर बोल देते हैं कि यार तुमको बहुत ज़्यादा पेन है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आप ट्रैंकुलाइजर ले लो, आप ड्रिप ले लो, फिर भी वो नहीं जाता है और सर के पास आता है क्योंकि उसको इतना फेथ है सर के ऊपर, सर के ट्रीटमेंट के ऊपर कि हाँ मैं सर के पास जाऊंगा और ये मेरा पेन भी ठीक हो जाएगा और मेरी स्टोन जो है वो भी निकल जाएगी, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसमें उनकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा भी अलग अलग पैथोलॉजीज के केसेस सर ट्रीट करते हैं, देखते हैं, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हम उनको बोल सकते हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं सर का, मेरे वो मैं उनको प्यार से बड़ा भाई बोलता हूँ और हमेशा उन्होंने बड़े भाई का रोल ही प्ले किया है मेरी लाइफ में और हमेशा एक बड़ा भाई जो होता है उसी की तरह मेरे को प्यार दिया है, अफेक्शन दिया है, गाइड किया है, सपोर्ट किया है और सामने से आके सर ने मेरे को हमेशा बोला है, जो मतलब मेरे मुँह से बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, वो गेस कर लेते हैं और सामने से आके हमेशा उन्होंने वैसे बोल के मेरे को गाइड किया है, सपोर्ट किया है। तो आज हमारी फॉर्म IHF फैमिली पर पहली बार डॉक्टर SP मंगला सर हैं, तो हमारी IHF फैमिली की ओर से उनका बहुत बहुत आभार, उनका वेलकम है हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण, मेरे छोटे भाई जी सर, आप क्या ठीक हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। सभी दोस्तों को, सिर्फ फ्रेंड्स को मेरी नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे प्रवीण भाई ने बताया, तो हम आज तो सबसे पहले हम नमन करेंगे डॉक्टर मोहंती सर को, जिनका आज बर्थडे है और जो मेरी ये प्रैक्टिस है 2 मिनट की प्रैक्टिस, उसमें डॉक्टर मोहंती जी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्होंने इसी कैबिन में जहां मैं बैठा हूँ, इसी चेयर पे बैठ के पेशेंट देखे हैं मेरे साथ और वो उनकी जो उसी से मैंने मतलब काफी अच्छा गेन किया है, वो वही प्रैक्टिस बन गई। होम्योपैथी बड़ी इजी भी है और बड़ी टफ भी है। इजी है अगर समझ लो, टफ है तो इसको अगर भूल जाओ। तो आज शुरू करने से पहले आज के केसेस का आपके साथ शेयर करता हूँ अक्यूट। अभी 8 बजे मेरे पास फोन आया, एक ऑफिसर है, मतलब बड़ी पोस्ट पे है, मतलब उनकी बेटी को प्रॉब्लम थी नोजिया वॉमिटिंग, कल से थी प्रॉब्लम और उन्होंने एलोपैथी घर पे लिया, जो भी लिया मेडिसिन, उसका कोई आराम नहीं मिला उसको। कल भी मैंने उसको मेडिसिन बताई थी लेकिन कल से उसने फोन नहीं किया, शाम को 8 बजे उसका फोन आया तो वो बोले भी जो उसकी मैंने अभी बच्चे से बात कराओ, 21-22 साल की लड़की है,
सुबह से उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, इतनी वॉमिटिंग है वो कहती है मैं फिंगर्स डाल के वॉमिटिंग कर रही हूँ और काफी मतलब तकलीफ में हूँ। इवन कि आज लेट लेटी हुई हूँ सवेर से और फ्लोर पे लेट गई, जमीन पे लेट गई। अच्छा मैं कहा क्या चाहती हो, मेरा जो ना मेन यही होता है बस, क्या चाहती हो मेरा जो क्वेश्चन है। तो उसने बोला भी डॉक्टर साहब अंकल बहुत तंग हूँ, मुझे ना सुबह से उल्टी आ रही हैं और इतनी ज़्यादा तंग हूँ, उल्टियों से मेरा गला भी छिल गया है और अब उंगल से भी करनी पड़ती है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, वो कल मेरी जॉब का मतलब डे भी है, आज छुट्टी होगी उनकी ऑनलाइन, कल मेरा मतलब ऑफिस भी है। तो मैंने बोला ऑफिस की कितनी चिंता है, नहीं इतनी ज्यादा नहीं खास नहीं। तो फिर क्या चाहते हो अंकल, मुझे ना मैं कह रही हूँ मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवा दो और किसी भी तरह करो मुझे ठीक करो, या मुझे कोई नशे का इंजेक्शन लगवा दो, ड्रिंक मतलब मैं सो जाऊं ठीक हो जाऊं। और मैंने पूछा बस मेरा एक क्वेश्चन था भी, जब आप इतनी तंग हो तकलीफ हो मम्मी पूछती है तो आप कोई तो बुलाए हालचाल पूछे क्या लगता है, तो कैसे जवाब देते हो आप। तो उसने बोला मैं नहीं बड़े आराम से जवाब देती हूँ ऐसी कोई बात, बस ये क्वेश्चन था। तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो कि क्या दिया होगा, और जो उसका मुझे 40 मिनट बाद फोन आया भी अंकल मैं ठीक हूँ, प्लीज सभी डॉक्टर्स को मेरी आवाज आ रही है और पता चल गया, मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलने की। हाँ जी जी सर, हाँ प्लीज जल्दी जल्दी बोलिए क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा सीखना है मंगला सर से। देखो ये प्रैक्टिकल टिप्स लेने, बच्चा है 22-23 साल की लड़की है, कल सुबह से परेशान है प्रॉब्लम में है और आप फोन पे पूछ रहे हो, देखा नहीं पेशेंट ऑनलाइन बात कर रहे हो और 2 मिनट से ज्यादा मैंने उससे पूछा नहीं है और मेडिसिन दी, कोई बताएगा एक दो डॉक्टर्स प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई भी कुछ भी हो सपोर्ट करे, मतलब फिर वो आगे चलेंगे ना, ऐसी नॉलेज बढ़ेगी, अगर मैं बता दूंगा फिर वो याद नहीं रहेगा आपको, आप कुछ भी बोल दो जल्दी ठीक कर दो, बेलाडोना है हम मतलब जो हम बोलते हैं है, ये कुछ भी बोलो सर। मे बी आर्सेनिक, क्योंकि उसको चाहिए कि कोई उसके उसकी देखभाल करे, उसके पास में बैठे, उसकी हालचाल पूछे, स्पेशली जब वो पेन में रहता है तो। ठीक है वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छा है बताया लो ना। देखो वो सर मुझे रेस्पॉन्स लग रहा है, वो मुझे इंजेक्शन लगवा दो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो ना, नो डाउट अच्छी बात है, कैरेट फास्ट तो है ही ना वो, ना आ रहा है सिंपल मेन रूप से है ना। तो और डॉक्टर्स सर मुझे रस्ताफ लग रहा हो, माइल्डली बात भी कर रहा, गुस्सा नहीं हो रहा हो। हाँ जी हाँ क्या लग रहा है, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट और वो माइल्डली बात कर रहा, मतलब आंसर आराम से दे रहा है, रेस्ट ऑफ सब फील लग रहा हो। रेस्ट ऑफ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सर बेलेट होने का फील लग रहा है क्योंकि शी वांट्स टू बी ऑलराइट बाय एनी मींस, यानी एस्केप डिजायर टू। अच्छा, जब भी कोशिश करो जब भी कोई डॉक्टर आंसर दे वो अपना कैमरा ऑन कर ले। ओके सर, अच्छा रहेगा। ओके सर, चलो अब हम बता देते हैं, बताएं हम या कोई बोलने बताने वाला है, हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बाबा जी बोलिए। चलो हम बता देते हैं डॉक्टर्स, मैंने इसको दिया सल्फर, कौन सी मेडिसिन दी, सल्फर। सल्फर कैसे दिया, देखो मैंने आप लोगों को बताया है कोशिश करो वो क्या जाता है, बस इस पे फोकस रखो सर, लॉन्जिंग रिपोर्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, पेशेंट की वर्डिंग पे नहीं जाना,
जो पेशेंट तंग है ना वो कहेगा जल्दी ठीक करो, ये कोई बात नहीं, मतलब इसको हमने डॉक्टर जो सेगल सिस्टम है ना, माइंड सिस्टम है, वो है वर्डिंग पे नहीं जाना, उसके थीम पे जाना है, वो क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, बस वो कह रहा है इंजेक्शन लगवा दो, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, चाहे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा मैं सो जाऊं, सोना चाहता है वो, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी है, ये चाह रहा है वो, क्या चाह रहा है, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। दूसरा क्या है, तंग बहुत हूं मैं, बोला ना उसने बहुत ओखी तंग हूं, डिल्यूजन इंजर्ड बींग। फिर क्या है, जब तकलीफ है इतनी, फर्स्ट भी लेट जाती है, पेशेंट ने बताया है ना, और सबसे बात ये देखो ना, किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो आराम से बोलती है ना, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, जो उसके पास है उससे वो बड़े प्यार से जवाब दे रही है। और मैंने उसको सल्फर दिया, सल्फर के देने के 30-40 मिनट बाद मैंने उसको बोला था भी मैं 9 बजे बिजी हो जाऊंगा, आप मुझे प्लीज 8:30-9 के बीच में बता देना। तो उसका मैसेज आया मुझे भी अंकल मैं ठीक हूं, और अगर रात को दोबारा होगी तो क्या करूंगी। तो मैंने उसको बोला अगर इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा लगे दोबारा होगी तो सल्फर 30 को पानी में डिल्यूट करके ले लेना 10 बार स्टोक करके, ये मेरा सिस्टम है, अगर लगे दोबारा होगी लेकिन पहले से कम है, उतनी नहीं हुई जितनी ठीक होगी, फिर एसएल लेते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो सर, बहुत अच्छा। अच्छा हम लोग नहीं सोचे थे कि सल्फर होगा। बस ये पता क्या है, सोच जैसे क्वेश्चन आया ना जल्दी ठीक कर दो, हमारे बात मन में जाएगी, ये कैरेटेड फास्ट है, ये हमने पूछना अभी क्या चाहता है, तो उसने क्या बोला, सोना चाहता है वो, रेस्ट चाहता है, नींद चाहता है वो, नींद मतलब अगर रेस्ट चाहता ओनली फिर तो बेलाडोना की तरफ चला जाता मान लो, ये इंजेक्शन लगवा दो, इंजेक्शन मतलब सो जाओ, मैं कंप्लीट क्वाइट वांट्स टू रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। सल्फर 30 से हम सोच सकते हैं, जो 2 दिन से वो नौजिया वॉमिटिंग लगी हुई है, इतनी ज्यादा कमजोर होगी पेशेंट और आधे घंटे में ठीक होगी। एक बात मैंने प्रैक्टिस में सीखी है, अगर अक्यूट पेशेंट आपका आधे घंटे में 15 मिनट में रिजल्ट नहीं दे रहा, इट मीन आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ठीक नहीं है। हाँ सिलेक्शन ठीक हो सकती है, फिर पोटेंसी ठीक नहीं होगी, फिर पोटेंसी ठीक नहीं होगी, पेशेंट तब ठीक होगा जब वो एक्चुअल में सेम जो उसके काम करेगी पोटेंसी और मेडिसिन दोनों प्रॉपर मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सर उसको 30 में क्यों दिया, 200 भी दे सकते थे। नहीं नहीं, जो हमारा सिस्टम है ना 30 शुरू करते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे आगे भी बताऊंगा। अच्छा, हाँ 30 200 क्यों देते हैं, 6 में भी 6 में नहीं, 6 से नहीं शुरू कर सकते। नहीं नहीं वो नहीं बेटा, पता क्या है हमारा ना एक फंडा है, हाँ जी रूल बनाया हुआ है, वो मैं आपको जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा उसमें जवाब दूंगा, अभी बता देता हूँ। जब पैथोलॉजी एडवांस हो तो हम 30 शुरू करते हैं, पैथोलॉजी मतलब पेशेंट को डायरिया वॉमिटिंग एक्यूट पेन ये है, जब माइंड ज्यादा हो मेंटल प्रॉब्लम हो मतलब ना, फिर हम 1 m 200 से हाफ में दे सकते हैं। ठीक है ना, ओके ओके। सर जैसे मान लो किसी को स्किन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग हो रही है, इनटॉलरेबल इचिंग, तो उसमें भी हमने 30 से शुरू करना है। स्किन प्रॉब्लम में 6 से शुरू करता हूं, 6 स्किन प्रॉब्लम में। हाँ वही मैंने पूछा, वही स्किन प्रॉब्लम में माइंड में वही करते हैं। हां ओके ओके, स्किन में इसलिए 6 देते हैं क्योंकि स्किन प्रॉब्लम में ना एग्रेवेशन होने का डर रहता है। हां एग्रेवेशन की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, तो हम 6 से शुरू करते हैं, 6 के बाद 30 200 फिर 6 भी आ जाते हैं, ऐसे चलता है। तो वो डिपेंड करता है, एलएम भी दे सकते हैं इस कंडीशन में, एलएम 0/1 भी दे सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर ये पेशेंट मेरे पास होता मे बी, तो मैं हो सकता सल्फर 0/1 से शुरू करता मे बी, मतलब क्योंकि बाहर 0/1 मिलती नहीं मेडिसिन जल्दी, तो इनके पास जो मेरे पेशेंट हैं उनको मैंने 20-25 दवाइयां लिख के मंगाई होती हैं, अभी आप ये घर पे रखो। हाँ जी हाँ जी,
तो ताकि आपको आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई मेडिसिन खाऊं आप उनमें से ले सकते हो। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सो मच। सभी को अच्छा लगा, डॉक्टर्स को यस सर, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर दिया करो बीच में एक एक, एक मिनट के लिए ना, तो मुझे लगता है आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो और ये नहीं मैं मतलब वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, हम ना बात करते हैं सुबह वाले केस की, जो पेशेंट था गुजरात का ना। हेलो, सभी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, नियर बाय मेडिसिन के पहुंच भी गए। और देखो इस पेशेंट को प्रॉब्लम थी, पहले थोड़ा थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं इसकी हिस्ट्री। पेन इन पेनिस, 3 मंथ स्वेलिंग एंड पेन्स इन पेनिस, पेन टॉलरेट कर सकता हूँ। देखो पेन टॉलरेट कर सकता हूँ, है ना, ये उसकी इगो भी हो सकती है ना, पेन टॉलरेट कर सकता हूँ। और पेशेंट ने क्या कहा, समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। यहां से मेरी एंट्री हुई, जो मेरी पेशेंट की एंट्री थी मेडिसिन की वो यहां से हुई। समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा क्या ना, वो एंग्जायटी डार्क में है, उसको समझ नहीं आ रही, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। इरिटेशन होती है जब पेन होता है, सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी है। तो इसमें मेन क्या है, रूब्रिक एंजाइटी डार्क इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग डिल्यूजन सिकमिंग फियर डेथ ऑफ फियर डिजीज ऑफ इंपेंडिंग डिल्यूजन वेल्थ ऑफ एंजाइटी फैमिली बाउट। अच्छा अब ये फास्फोस और कल्केरिया दोनों में चल रहे हैं, ये दोनों में चल रहे हैं। जब आप इनको रेपर्टराइज करोगे तो ये मेडिसिन जो आएगी ना, कल्केरिया और फास्फोस आ रही है साथ साथ में। तो जब मैंने पहले बार मेडिसिन भेजी इसको तो कल्केरिया साथ दे के साथ में मैंने दो नंबर पे भेजी थी, ताकि बीच बीच में जब इसको जरूरत पड़ेगी तो मैं देखूंगा। जब हम कहीं बाहर मेडिसिन भेजते हैं ना तो सेकंड ऑप्शन साथ में दे देते हैं, ताकि जब वो दोबारा बोलेगा जाके मेडिसिन मिलेगी, दोबारा हिस्ट्री लेंगे उससे मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले, तब वो क्लियर हो जाएगा। ये पेशेंट गुजरात से स्पेशल रामपुर आया बाइक का। सर रूब्रिक एक बार और बताइए इसका, क्या बोलो, हाँ बोलो, रूब्रिक लिए ना वो एक बार और बताइए ना, एंजाइटी डार्क इन, वो आपको बना देंगे ना, वो सभी फाइल बनी हुई है डॉक्टर प्रवीण, वो सारे रूब्रिक आपको देंगे, ठीक है ना, वो सारे रूब्रिक भी साथ में तो शो कर दो जो हमने बनाया है ना। जी जी वो स्लाइड में है हमारे पास, हाँ हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए, आप ग्रुप में आ जाएंगे वो, आएंगे वो सारे जो है ना। इसमें मैंने क्या देखा, सारे स्लाइड में है, स्लाइड आपको देंगे सारी, देख लेना। यस, तो मैंने क्या देखा, पेशेंट कल्केरिया से ठीक हो रहा था, पेशेंट मेडिसिन चल रही थी, जब एक बार मैंने भेजी भाई पोस्ट सेकंड, ये जब रामपुर आया मैंने पूछा भी, आप जब ठीक हो रहे थे, जब आप ठीक हो रहे थे तो आपको आने की क्या जरूरत, तो मेडिसिन मंगा लेते आप। तो उसका जवाब था, नहीं डॉक्टर साहब मैंने आपके दर्शन करने थे, मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया गुजरात में, मुझे आराम नहीं मिला, तो मैं आपसे मिलके आपसे पूछना चाहता था कि मुझे क्या बीमारी है। देखो ये नॉर्मल टोन नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, ये लाइट बिहेवियर नहीं है, है ना।
नॉर्मल बात नहीं है ये, नॉर्मल बाइट मतलब इसको मैंने क्या लिया, लाइट डियर फॉर डिलीरियम विद, डिलीरियम स्टेट में चला गया, लाइट से ऊपर चला गया, मतलब एक पेशेंट जो ठीक भी हो रहा है इतनी दूर से आना, और मैंने पूछा ये जवाब बस एक ही चीज, आपने क्या करना है ना पेशेंट को, देखो एक पेशेंट का जो प्रॉब्लम है ना वो आपको एक घंटा हिस्ट्री देगा, और जब उसे पूछते जाओगे तो क्या होगा, वो सोच के जवाब देगा, हाँ जी मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसा भी होता है, हाँ सर ये भी है, तो आप क्या छोड़ोगे, क्या आपको ठीक लगेगा। मेन होम्योपैथी में क्या है, केस टेकिंग, आप रूब्रिक पे ना जाओ, आप मेडिसिन पे ना जाओ, अगर आपको केस टेकिंग आ गई तो समझो सब कुछ आ गया। और डॉक्टर्स को यही सबसे टफ है, कहते ना ये पढ़ने वाली बात थोड़ी है, इसमें क्या है हिस्ट्री में क्या है, केस टेकिंग कोई ये कोई सीखने वाली बात है, ज्यादातर मोस्टली पेशेंट डॉक्टर यही होता है ना, केस टेकिंग में हमने देखना है क्या लेना है क्या छोड़ना है, किस बात पे पेशेंट स्ट्रेस कर रहा है। अब अगर मैं इस पेशेंट को ये ना पूछता भी आप क्यों आए हो, यहां ना जाता, तो वो क्या कह रहा था, डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हो, आप लंदन जाके आए हो, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, तो शायद मैं इनसाइटिंग में चला जाता, व्यू मुझे इनसाइट कर रहा है, और बिट्रेड भी हो रहा है, वो भी आप मुझे गलत, मतलब पहले भी लग रहा था मुझे डॉक्टर साहब देख के दवाई देना ये है, तो मैं बिट्रेड में चला जाता, बिट्रेड में चला जाता तो हायो चला जाता, और हायो चला जाता तो फेल हो जाता। मतलब हमने सिर्फ, मैं जब भी पेशेंट को मेडिसिन देता हूँ बहुत कम मैं लिखता हूँ, बहुत कम राइटिंग में, इसलिए मैं जब मुझे मेरे डॉक्टर्स कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी टर्न है आप केस दो, मतलब मैं जो देखता हूँ तो लिखा हुआ तो ज्यादा नहीं है उस पर, तो मेरे मैडम भी डॉक्टर हैं, वो ज्यादातर हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट की लिखते हैं, तो इस केस की भी देखो मैंने मैंने इतना लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो 10-5-10 लाइनें लिखी हुई है, इतना बड़ा केस है और इतने परेशान था पेशेंट, कल कह रहे कर 01 में यहाँ मैंने उसको दी, 01 क्यों दी, अभी डॉक्टर साहब ने पूछा था भी उसको पेन है, पेनिस पे स्वेलिंग है, तंग है, वो मैंने 01 से शुरू की उसको, और पेशेंट वो ठीक हो गया। ये तो था हमारा कल के लिए कार्यक्रम, काफी लोगों ने कई लोगों ने बताया डिफरेंशिएट में, आप म्यूट हो गए हो मंगला सर, म्यूट हो गए हो। हेलो जी, हाँ जी फ्रेंड्स, अच्छा लगा जी सर जी, ठीक है डॉक्टर प्रवीण, ठीक चल रहा है जी जी, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर, हमारे हमारे अनु गौतम दी ने भी ज्वाइन कर लिया है, नमस्ते अनु दी, डॉक्टर अनु जी कैसे हो, समीर आवाज जी, अभी शायद नहीं है वो, फिर से ज्वाइन करेंगे, बीच में निकल गए,
जी सर, बहुत बढ़िया, आप कंटिन्यू कीजिए। अब सेकंड केस है जो हमारा, वो था कफ वाला, निमोनिया का केस था। अच्छा, सेकंड केस कफ है 1 ईयर से, चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ ज्यादा होती है, दम जो सांस मुश्किल से आती है, और काफी एलोपैथी मेडिसिन ली, काफी डॉक्टर्स को दिखाया, निमोनिया हो गया था, 10 महीने रेगुलर मेडिसिन ली, और अगेन अगेन प्रॉब्लम वो चल रही थी। फायदा क्यों नहीं होता, पेशेंट की क्या वर्डिंग थी, फायदा क्यों नहीं हो रहा, काम को दिल नहीं करता, जान नहीं शरीर में, परहेज करती हूं, कहां जाएं, कहां से फायदा होगा। देखो ये कह रहा ना, कहां जाएं, कहां से फायदा होगा, ये लाइट है, वो ढूंढ रहा है ना, कहां जाएं, फायदा हो रहा है, कहां फायदा, फायदा मतलब बिजनेस, जिसको प्रॉफिट कहां से होगा, फायदा वो फायदा ढूंढ रहा है, वो बिजनेस की बात कर रहा है। आराम आ जाए, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मतलब एस्केप, इसे एस्केप होना चाहता है, वो आराम चाहता है, बाकी सब ठीक है, बच्चों की ठीक है, फैमिली ठीक है, डिजिटल वेल्थ वेल्थ में भी है, वो खेड़ा ही नहीं छुटता दवाइयों से, दवाइयों से क्या कह रहा है वो, पीछा नहीं छूट रहा, रब नू परमात्मा को कहते हैं इससे अच्छा है मुझे ले जा, जब आराम ही नहीं आता, और नेचर वाइज जल्दी मिक्स हो जाता हूं। दरअसल मैं फंस से गई हूँ, फंस उल बस यहां से मैंने पकड़ लिया, फंस मतलब जब पेशेंट कहता ना मैं वो जाल में फंस गई, फंस से गई, फंस मतलब सीज होगी वो, क्या हो गया, डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, पेशेंट का पेन क्या है इसमें, पेशेंट कहता है मैंने मतलब डॉक्टर मैं फंस गई, उसकी जो टोन थी ना वो हेल्पलेस, क्या करूं, कहां जाऊं जहां फायदा हो, फायदा बिजनेस स्टॉक्स, लाइट ईयर, डिलुजन वेल्थ, डिलुजन सीज, ये फास्ट फोर्स है, फास्ट फोर्स इसको मैंने 0-1 दिया, और कभी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी मेडिसिन की पावर, और पेशेंट को जो 1 साल से ठीक नहीं हो रहा था, निमोनिया का पेशेंट था, और इतने एंटीबायोटिक्स इतनी मेडिसिन ली उसने, वो फास्ट फोर्स से ठीक हो गया। अब कलकेरिया और फास्ट फोर्स, अगर हम कलकेरे कार्ड को देखें ना, जो कलकेरे कार्ड का पेशेंट है ना, वो जैसे पहले स्टडी करते थे फैटी फ्लैबी, उसका दिल पतला होता है कलकेरे कार्ड का, एक रूब्रिक है हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, कि उसका दिल पतला है, स्लो है बट कंटिन्यूस वर्क करता रहता है, कलकेरे का स्लो है बट वो लगातार ना काम करता रहता है, उसको बैठना पसंद नहीं है, वो कहता है बैठ गया तो काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो गया तो मैं जो मेरे पास है वो चला जाएगा,
उसको पॉवर्टी का भी डर है, वो पुअर से पॉवर्टी पॉवर्टी में नहीं जाना जाता, इसलिए वो लगातार काम करता रहता है, काम में स्लो है। एक सिंगल मेडिसिन है एंजाइटी आइडियल वेल वाइल और सैडनेस आइडियल वेल, सिंगल मेडिसिन है। जो पेशेंट आपको कहे डॉक्टर साहब मैं नहीं बैठ सकता, मैं तो चल काम करता रहता हूँ, धीरे करूं, स्लो जरूर हूं, अगर काम में बैठ गया तो मेरा तो ये सारा खत्म हो जाएगा। आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, क्यों वेल्थ में है ना, ठीक है पहली है तो वेल्थ में, वो भी बात आपको कहेगा मेरा सब तो बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। और सेकंड क्या ना, और वो हर बात की रीजन देता है, रीजनिंग में है, लॉजिक में है, बिना लॉजिक के बात नहीं करता था वो। लाइफ में आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रियस एम्बिशियस है, दिखावा भी बहुत करता है, दिखावे बाप दिखावा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, दिखावे में अपनी पॉकेट से भी ज्यादा खर्च कर देता है ये। तो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव टू, थोड़ी सी ईगो भी है, एक्सक्लूसिव भी अपने आपको थोड़ा सा वो समझते हैं। अपनी फैमिली की चिंता करता है, फैमिली की केयर करता है, क्योंकि उसको फियर सफरिंग भी है, उसका दिल पतला है, दूसरे इम्प्रेशनेबल है। ये एक वर्ड होता ना इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल क्या है, मतलब जो आदमी कहता है उसको नेगेटिविटी, यार डॉक्टर साहब उसने बोला उसको ये प्रॉब्लम है, मुझे भी ना हो जाए, उसको कैंसर है, मुझे भी कैंसर ना हो जाए, मतलब दूसरों की नेगेटिव बात का उसके ऊपर असर होना, किसी की बात का उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ना नेगेटिव वाला, नेगेटिव बात को जल्दी लेता है। दर्द से फियर ऑफ पेन, दर्द से डरता रहता है, तकलीफ से डरता है, हर बात की खोज करता है, मेडिकल बुक्स पढ़ता है, ये है कहां से उसको कुछ मिल जाए। ये कलकेरे काम की जर्नी है, मतलब इससे आपको कलकेरे कार्व और फास्ट फोर्सेस साथ साथ चलती हैं बहुत सी ना। जब आपको लगे पेशेंट की टोन हेल्पलेस है, हेल्पलेस है, तो हेल्पलेस में फास्ट फोर्स है, और सीज्ड पेशेंट के मैं फंस गया, फंसा महसूस करता हूं, और बिजनेस की बात करता है। फास्ट फोर्स क्या है ना, बिजनेसमैन आदमी है, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है और फसल महसूस करता है, बिलियन वेल्थ है, बातें करेगा, घूमेगा फिरेगा, हर एक आदमी को अपना भाई बना लेगा, ब्रदरहुड सेंसेशन है उसमें, रिलेशन जल्दी निकाल लेगा, डॉक्टर के पास आएगा उसको भी कहेगा अपना उससे भी रिलेशन निकाल लेगा, क्यों रिलेशन निकाल लेगा, वो उसको फायदा लेना है बिजनेस, फास्ट फोर्स बिजनेस के आसपास ये घूमती है मेडिसिन, वेल्थ है ये फास्ट फूड, दोनों केस साथ साथ चल रहे थे। मेडिसिन जो मैंने इसके ऊपर ट्राई करके लिया प्रवीण भाई को, तो बोला डॉक्टर साहब इसमें फास्ट फूड और कलकेरे दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार दोनों ही करवा देंगे।
ठीक है दोस्तों, ठीक लगा? हाँ जी, वंडरफुल सेशन सर, लेकिन साथ में प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए ये कलकेरिया और फास्फोरस का डिफरेंस जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आया, या किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज बिंदास होके पूछिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको बार बार ऐसे जल्दी से मिलने वाले नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं मेरी तरफ से जो ऐड करना है, सर को रिक्वेस्ट करना है, वो करता हूँ। देखो ऐसे है, मैंने हल्की फुल्की करवाई आपको कैल्केरिया और फास्फोरस, क्योंकि हर मेडिसिन के कई फेज हैं, मैंने वो फेज करवाए हैं जो इन दोनों केस में थे। इस दोनों केस के इर्द गिर्द जो घूम रहा था ना, मैंने वो आपको करवाया है। हर एक मेडिसिन की उसमें एक सिम्टम में वो है, दूसरे में ऑपोजिट में भी है वो, तो वहां फिर वो दोनों यस में भी हुआ नो में भी हुआ, इसलिए मैंने आज उतना ही करवाया है, वही बताया है जो अपने दोनों केस में था। तो अब हम ना स्टोन के बारे में बात करते हैं, जो अक्यूट केस में स्टोन की दवाइयां हम देते हैं, ठीक है, रिनर स्टोन कैलकुलाई के बारे में। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो स्टोन निकले हुए हैं ना हमारे, ये मेरा ओपीडी क्लिनिक है, और ये जो स्टोन है देखो, ये सारे स्टोन सर। ये देखो 18 एमएम का स्टोन है, ये 14 का है, ये 14 एमएम का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा स्टोन है, ये स्टोन है सारे, ये देखो कितना बड़ा स्टोन है। ये एक पेशेंट के 13-14 स्टोन थे ब्लैक कलर के, ये सभी निकले हैं। ये स्टोन देखो, ये सारे स्टोन हैं, इधर देखो ये भी स्टोन है, ये कितना बड़ा स्टोन है, 15.3 mm का ये स्टोन है, एक हफ्ते में निकल गया, ये स्टोन है, ये वाले स्टोन, ये वाले, ये देखो ये स्टोन कितना बड़ा है, स्टोन ये कितना बड़ा है, ठीक है दोस्तों। ये जो स्टोन है ना, ये सभी के पेशेंट के फोन नंबर भी लिखे हुए हैं, ये सभी स्टोन हमने पेशेंट के निकाले हैं बिना ऑपरेशन, हमारी वही मेडिसिन, हाँ जी सर, सॉरी एक मिनट, मेरे बेटे का फोन आ गया था बीच में। अच्छा, ये सभी स्टोन हमने निकाले हैं मेडिसिन से, कोई एक दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में। अब बात करते हैं, पेशेंट जब आता है ना पेन को लेके, तो
सबसे पहले हमें ना स्टोन की नॉलेज भी चाहिए, ये है क्या। स्टोन हमने आम रूटीन में देखते हैं, एक कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम फास्फेट, यूरिक एसिड, इन चीजों से बने होते हैं। और कैल्शियम फास्फेट का जो स्टोन है ना वो ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सालेट का स्टोन जो वो ब्रेक नहीं होता, वो थोड़ा सा हार्ड ज्यादा होता है। और मैं अपनी प्रैक्टिस में तीन चीजें पेशेंट को बताता हूँ, डेली 10-12 ग्लास लिक्विड लो, पानी, जूस, नारियल पानी, जो मर्जी दे लो। नंबर दो, सीड्स वाली चीज, सीड्स मतलब बीज वाली, टमाटर, अमरूद, खीरा, भिंडी, बैंगन, प्रोटीन डाइट और नमक थोड़ा कम लो, ये चीजें कम लो। और थर्ड, जब भी यूरिन का प्रेशर बने काम छोड़ के जाते हो। अगर ये तीन चीजें आपने पेशेंट ने अप्लाई कर ली तो उसके बहुत कम चांस होते हैं। अब दूसरा होता है, पेशेंट कहते हैं ना, डॉक्टर साहब आपने स्टोन निकाला है एक दिन में, पांच दिन में, और हमारे स्टोन को 3 महीने लग गए, ये क्यों? आपको पता होना चाहिए भी स्टोन कहां पड़ा है। जैसे जो हमारा गुर्दा है, कितनी है हमारी, उसके 3 हिस्से होते हैं, एक पार्ट, एक पार्ट। ये देखो मैंने डायग्राम बनाई है, ये अपर पार्ट है, ऊपर वाला, ये मिडिल पार्ट है, बीच वाला, ये लोअर पार्ट है, नीचे वाला। और मिडिल पार्ट से ये यूरेटर निकल रही है, मिडिल से। अगर स्टोन यूरेटर में है तो एक दिन में निकल सकता है, 4-5 दिन में निकल सकता है। और अगर मिडिल पार्ट में है वो जब भी मूव होगा तो यूरेटर में आएगा और यूरेटर से वो बाहर आएगा, इसमें महीना, 1.5 महीना, 15 दिन लग सकते हैं। अगर अपर पार्ट में होगा, अपर से वो मिडल में आएगा, मिडल से यूरेटर में आएगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अगर वो लोअर में होगा तो उसको ऊपर उठाना है, ऊपर कैसे उठाएंगे, सबसे टफ। जो पेशेंट निराश होते हैं ना वो लोअर वाले होते हैं, ये हमें पता। सेकंड क्या है, पेशेंट बहुत पूछते हैं डॉक्टर साहब ये जो 18 mm का है, निकाला है, ये निकल जाएगा। और हमारी जो यूरेटर है वो 6 mm की होती है, तो हम कहते हैं जब ये प्रेशर बनता है, आपने देखा ये स्टोन वो डायलेट हो जाती है। अब अक्यूट पेन में जब पेशेंट हमें फोन करता है, डॉक्टर साहब मैं पेन हो रहा बहुत ज्यादा, इंजेक्शन लगवा लिए, ड्रिप भी लगवा ली, पर पेन नहीं जा रहा, मैं आपके पास आ जाऊं, यहाँ से मेरा आधा घंटा दूर है। जब पेशेंट को फर्स्ट टाइम पेन हुआ और आता है, डॉक्टर साहब क्लिनिक पे ही हो, मैं कहूँ हाँ क्या हो गया, डॉक्टर साहब ये तो ना बहुत रो रहा है, बहुत तकलीफ में है। और मैं कहता हूँ यार आप आधा घंटा दूर हो, मतलब मेरे से आपका टाइम नहीं लगेगा, आपको टेबलेट दे दो उसको, एक बारी कोई इंजेक्शन दे दो एक बारी, फिर आ जाना। नहीं डॉक्टर साहब आपके पास ही आएंगे, तो वो ले आते हैं पेशेंट को और हम उसको 5 मिनट में ठीक करते हैं, 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट वो कहते हैं भी हाँ मैं कुछ ठीक हूँ। अगर 5 मिनट में उसकी वर्डिंग सही ना हुई ना तो मैं मेडिसिन पावर चेंज कर देता हूँ। और फिर उसको अगर 5 मिनट फिर देते हैं, हम पेशेंट को 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते,
आधा घंटा तो मैक्सिमम, कोई रेयर पेशेंट हो तो जिसको कह देते हैं आप इंजेक्शन लगा लो, आप जो मर्जी करो एडमिट हो जाओ, मैंने अपनी कोशिश कर ली। और टच वुड विद ग्रेस ऑफ गॉड, हो सकता है 1% पेशेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन 99% को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब पेशेंट क्या है, हम देखते हैं ओपीडी में रूटीन में पेशेंट हम बैठे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, एक पेशेंट आया बिना वो रिसेप्शन पे गए, उसने मेरे केबिन का दरवाजा खोला और सब पेन हो रहा है, और मैंने दवाई दे दी। देखो मैंने कुछ नहीं पूछा उससे, मैंने नहीं पूछा उससे कुछ, क्या दवाई हो सकती है दोस्तों? हाँ जी, आप बीच बीच में पार्टिसिपेट करोगे ना तो मुझे थोड़ा सा सर, ना सर आर्सेनिक हो सकता है। वेरी गुड। और सर एब्रप्टली सकते हैं, एग्जेक्टिंग टू, और बोलो। वेरी गुड, बढ़िया, अच्छे चल रहे हो, बढ़िया बढ़िया। जब आप लोग सेमिनार में क्लास में स्टडी करते हो, जो डॉक्टर जितना ज्यादा बोलेगा चाहे गलत बोले, जो उसको आता है वो जल्दी सीखेगा, जो चुप रह के सुनेगा ओनली लिसनर होगा ना, वो प्रैक्टिस में बहुत देर से सीखेगा, प्रैक्टिस में काम आएगा। इसको मैंने आर्सेनिक लिखता हूँ। डॉक्टर साहब जो पहले बोले थे वो क्या नाम है उनका, जो फर्स्ट टाइम आर्सेनिक बोला था? जी सर। क्या विमल जी? जी सर। कहाँ से आप? वाराणसी सारनाथ। वाराणसी, वाराणसी में आपके आना पड़ेगा कभी फिर, है ना? आइए सर, स्वागत है। जरूर 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 आएंगे। देखो पता क्या है, वेरी गुड डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। क्या है, देखो इसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें, ये इम्पेशेंस है, मतलब इतना इम्पेशेंस है ना, इसने ये वेट भी नहीं की वो जल्दी ठीक करो, वो बताने वाला है अभी, ठीक है, इसलिए मैंने रोका एक वर्ड सुन के। आपने देखा होगा प्रैक्टिस में, अगर आपके पास पेशेंट आते हैं पेन के, तो 20 में से एक ही ऐसा पेशेंट होगा जो सीधा अंदर आ जाएगा, और हम इस पेशेंट को सपोज मेडिसिन दे दी हमने आर्सेनिक 30 दे दी, अगर वो क्या कहेगा ना, मतलब मेन अब नोट क्या करने वाली बात है। अब इम्पेशियंस, कैरेट ऑफ फास्ट मेडिसिन तो और भी है, ये रेस्ट, जब हम इसको कहते हैं चलो ठीक है मेडिसिन देते हैं बाहर बैठो ना, तो 5 मिनट में द्वारा अगर वो 2 मिनट में फिर उठ के आ गया, जब बोला उसने भी आराम नहीं मुझे, या वो है और वो 5 मिनट के अंदर डॉक्टर साहब ना मुझे कुछ ठीक लग रहा है, कुछ ठीक लग रहा है, दर्द बढ़ो तो नहीं है, मन शांत है, मैंने तो उसका मन ही शांत करना है। अगर मन शांत है ना, होम्योपैथी को कहती यही है, सबसे पहले मेडिसिन मन को ठीक करती है, अगर आपका मन ठीक है तो पेन भी ठीक है, फिर आप फ्री हो जाते हो, फिर उसको मैं कहता हूँ इसको एस एल दे दो 15-15 मिनट बाद देता जाए पानी पिलाओ, और पेशेंट ठीक होकर चला जाता है। सेकंड यही पेशेंट, मतलब पेशेंट आता है वो बाहर रिसेप्शन पे कहता है कि डॉक्टर साहब को बोलो मेरे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे सभी पेशेंट को पता है भी मैं ओपीडी में जो रश भी होता है तो पेन के पेशेंट मुझे पहले बता देते हैं, मेरा स्टाफ भी बता देता है, तो ताकि उसको मैं बीच में तभी बुला के पेशेंट को मेडिसिन देता हूँ ताकि इसका 5-10 मिनट में ठीक हो जाए। तो मैं उससे पूछता हूँ भारी, वो मतलब मैं ना वो अंदर नहीं बुलाता कैबिन में, उस पेशेंट को मैं अपने जो
बाहर वेटिंग हॉल है ना उसी में चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई क्या हाल है, क्या तकलीफ है, बस मेडिसिन दे दी मैंने उसको, ठीक है ना, उसमें मेडिसिन क्या है ना वो बोलना भी नहीं चाहता, डिस्टर्ब भी नहीं होता, पेन टॉलरेट नहीं होता उससे, उसको नक्स बन के दे दी। पेशेंट ठीक है, 5 मिनट में, अगर 5 मिनट में नहीं ठीक ऐसे ही तो उसको हम 200 ले लेते हैं, फिर भी ठीक नहीं 01 दे देते हैं, मेडिसिन नहीं बदलता मैं जल्दी जल्दी, पेशेंट है मैं बाहर चला गया, मैं बाहर गया मुझे देख के उसके साथ जो होता है अटेंडेंट होता है उसके साथ, उसने उसको पकड़ा हुआ है, उसने उसको पकड़ा हुआ है, मैं पूछता हूँ भी अटेंडेंट को ये आपको उसने क्यों पकड़ा है, डॉक्टर साहब ये टीके से डरता है ना इंजेक्शन से, बिकम इंजेक्शन लगा दे, देखो मैंने तो पेशेंट के पूछे नहीं है ना, उसको क्या दे दिया, स्ट्रैमोनियम, स्ट्रैमोनियम, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है ठीक है ना, जब आप पेशेंट देखते हो ना आपके पांचों इंद्रियां खुली होनी चाहिए, अच्छा अब अगर पेशेंट यही पेशेंट क्लिंग भी कर रहा है इंजेक्शन भी डरता है, अगर पूरी डलनेस है सुस्त में है ज्यादा, मतलब कई पेशेंट का ऐसा होता है ना वैसे लेट जाते हैं आके बस भी जैसे वो मतलब हो गया सुस्त हो गया, पूछो उसको भी हाँ ये सुस्त डॉक्टर से, तो बड़ा मतलब ऐसे होता है ये ना थोड़ी बीमारी को तो ये गोलता नहीं, ज्यादा में बस ऐसे सुस्त हो जाए, पेन हुआ ना इसको बस ये डल हो गया सुस्त हो गया, फिर उसको जल्दी नहीं दे देते हैं, और वही 5 मिनट में 10 मिनट में पेशेंट ठीक हो जाता है। सर क्या देते हैं? जलसीमियम। जलसीमियम ठीक है। अब पेशेंट है दर्द हो रहा है, हाँ जी परसों दर्द है, जो डॉक्टर साहब जल्दी ठीक करो, चाहे टीका ला दो जो मर्जी दे दो डॉक्टर साहब, ये पहले हो जाता है, मेरे पथरी बहुत बारी हुई है निकल जाती है, मैंने पता भी ये भी ठीक हो जाए थोड़े को आ गई, देखो ये ना जी। है जी हिंदी में ये प्लीज आपने पंजाबी में बोल दिया। अच्छा, हिंदी में बोल दीजिए। अब क्या है ना जो हमारे पेशेंट आते हैं वो वर्डिंग, पेशेंट आया बड़े आराम से दर्द बहुत हो रहा है उसको, डॉक्टर साहब हाँ जी बेटा क्या प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब दर्द बहुत है दवाई दे दो जल्दी ठीक करो, पहले भी दर्द हो जाता है ठीक हो जाता है आपके पास आके, पहले भी पथरी निकली है ठीक है, मेलाडोना ये आपका मेलाडोना है ठीक है ना, और पेशेंट क्या कहता है आ गया पेन हो रहा है उसको, डॉक्टर साहब बहुत तंग हूं, अच्छा और डॉक्टर साहब काम पे जाना है मुझे, मतलब जॉब कर रहा हूँ नुकसान हो जाएगा मेरा, बिजनेस कर रहा हूँ मैं ठीक करो, देखो हाँ, और एक पेशेंट है हाँ भाई क्या तकलीफ है, दर्द हो रहा डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं मुझे पता है पथरी का दर्द है, हाँ जी हाँ ठीक हो जाएगा, कुछ चिंता नहीं, चिंता कोई नहीं डॉक्टर साहब, वो बड़े आराम से बड़ी आराम से टोन बोल रहा है, कुछ चिंता नहीं डॉक्टर साहब कोई चिंता नहीं ठीक हो जाएगा, पथरी है ना, ये बताओ बड़े आपने कहा कॉकुलस
ओपियम 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 अगर अगर ये बता देना मेडिसिन आपने, आप लोग बिल्कुल पास हो। ओपियम 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 सर ओपियम ओपियम किसने बताई है? डॉक्टर आशा। आशा डॉक्टर साहब प्लीज आपकी वो वीडियो ऑन करना सर। अभी घर पे हूँ, दिख रहा है सर? हाँ सर। वीडियो वीडियो ऑन करो, वीडियो पता नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। घर पे थी सर, खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते भी आपने मेडिसिन बढ़ा दी, क्या बात है। अच्छा दर्शन जी बताओ इसमें रूबरी क्या लिया आपने? हेलो कंटेंटर सर, कंटेंट कंटेंट रूबरी था इसका। आगे आगे कंटेंटर में तो बहुत सारा है आगे। वेल सेज वेल सेज वेल व्हेन वेरी सिक, वेल सेज व्हेन ही इज सिक, और ये इंडिफरेंस टू कंप्लेंट डज नॉट। जो मैंने लिया था ना ये भी ठीक है, वेल सेड व्हेन वेरी सिक, क्योंकि उसने ये तो बताया है ना मैं ठीक हूँ, है ना, उसने वेल सेड वाली बात नहीं की। लेकिन मैंने क्या लिया है, कंटेंटेड एंड क्वाइट क्या लिया मैंने, कंटेंटेड एंड क्वाइट हाँ, और होपफुल ऑफ रिकवरी। हाँ वो क्वाइट है ना, भी क्वाइट भी है, कंटेंटेड भी है, होपफुल भी है, और बड़े आराम से बोल रहा है वो। ओपियम बेलाडोना वाले भी उसकी टोन नहीं है, ठीक है ना। डोना में सर क्या टोन होती? किसी बेलाडोना में क्या टोन होती? बेलाडोना का फेस इंप्रेशन पता क्या होता है आपको ना, एक क्लास मतलब जो मैं देखो बोल रहा हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ उस मेडिसिन की टोन में ही बोलूँ मैं, और फेस भी मेरा थोड़ा सा हो सकता है मतलब डॉक्टर साहब कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ जी मुझे पता आप ठीक कर दोगे। हाँ जी ये बड़ा टोन है, डिल्यूजन चार्म ना सर। हाँ चार्म भी है, स्माइलिंग भी है, फ्रेबुलस भी है, और ओपियम हाँ। वाला ना वो कहेगा डॉक्टर साहब पेन है पता ही है आपके, स्टोन का पेन है और ठीक हो जाएगा, स्टोन है तो कुछ चिंता नहीं डॉक्टर साहब, हाँ ठीक हो जाएगा। ये जैसे वो बोलेगा ऑफ में ऐसे बोलेगा, इसमें एक्स्ट्रा वेंग्स कहीं नहीं है ना, अभी अभी वो एक्स्ट्रा वेंग्स में नहीं गया, जरूरी नहीं है ओपियम वाला एक्स्ट्रा वेंग्स में जाए, है ना, वो उसका टाइम आएगा तभी जाएगा ना, वो हमारे पास उससे पहले भी आ जाता हो। जैसे मैंने बताया ना भी हर एक मेडिसिन की कई शेड है, वो आपको देखना है भी वो कौन सी मेडिसिन में, वो कौन से शेड में, कौन से फेज में आपके पास आया, मतलब सर हायोश्यामस 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 का तो बड़ा इजी पेशेंट जो होता है ना, वो क्या कहेगा डॉक्टर साहब मेरी पथरी फंस ना जाए, अगर इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ गया डॉक्टर साहब ये पथरी इतनी बड़ी है, 5 mm की है, 7 mm की है, उसकी फंस गई थी, फंस जाएगी, चक्कर ना पड़ जाए, क्यों उस वो बिट्रेट के आसपास घूमता है, वो बिट्रेट के आसपास घूमता है। सर कॉकुलस वाला जैसे रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है तो हाँ। उसको हम इसमें नहीं ले सकते फिर? नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना कॉकुलस वाला भी आपकी जो है जो ओपियम और कॉकुलस इसको डिफ्रेंशिएट करना भी बड़ा वो है, एक मिनट में हम प्रैक्टिस में क्या है ना कोकुलस वाला डल ज्यादा होता है, ओपियम वाला एक्टिव होता है। अब क्या था ना हेलो मुझे याद है केस, मेरे बेटे को टेम्परेचर हो गया, डॉक्टर मोहंती मेरे अच्छे दोस्त आपको बताया आज उन्हीं का बर्थडे है, तो जब मैंने बात फोन किया डॉक्टर मोहंती को 7-8 साल पहले की बात है, मैं डॉक्टर साहब बेटे को बीमार है, बुखार चढ़ गया, टेम्परेचर है, क्या तब क्या कर रहा है, मैं कहा आराम से टीवी देख रहा है बस, वो कुछ नहीं कर रहा, एक्टिव है वहाँ, हाँ ऐसे एक्टिव है जी, कोई तंग तुंग तो नहीं कर रहा, नहीं तो ओपियम दे दो।
मेरे मन में गया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब बिजी हो गए, पूछा तो कुछ है ही नहीं है? इसको 2-3 दिन से टेम्परेचर उतर ही रहा और इन्होंने 1 मिनट 60 सेकंड लगाए भी नहीं, और ऐसा कैसे बच्चे से बात भी नहीं की, और मेरी ऑब्जर्वेशन क्या जरूरी है, मेरी ऑब्जर्वेशन सही होगी? ओपियम दे दो, ओपियम दी तो टेम्परेचर ठीक हो गया। क्या है ना, मतलब अगर वो डल होता, आपका क्वेश्चन बढ़िया था, किसने पूछा था ये, कौन से डॉक्टर ने? सर रेणुका। रेणुका आप आना, वीडियो आपकी दिखाना प्लीज। सर अभी वीडियो नहीं ऑन कर सकती, सॉरी। चलो ठीक है, इट मींस ये है भी, हम तो बैठे हैं बड़े वो उससे है ना, आप मजे में बेड पे बैठे हो ना, लेटे हुए हो, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। आपका क्वेश्चन अच्छा था, अगर ये क्वेश्चन आएंगे ना मन में, फिर हमको नॉलेज आएगी, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो नॉलेज नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम भी मतलब मेरे ख्याल भी खाने का भी टाइम हो गया, आप लोगों ने को डिनर कर लिया होगा, हमने करना अभी। डॉक्टर प्रवीण सर, जी एक वो थोड़ा मंगला सर वो ऐड कर दीजिए कि जो किडनी स्टोन का ब्रेथ और लेंथ रहता है, तो अच्छा। उसमें मतलब जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन का अपना किडनी स्टोन होता है, एक ये एक उसका लेंथ और ब्रेथ, उसके बारे में थोड़ा ऐड कर दीजिए। जी सर, ऐसे होता है, देखो एक होम्योपैथी डॉक्टर्स को ना ये नॉलेज होनी चाहिए भी मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। अगर आपको प्रैक्टिस में कामयाब होना है तो आपको अपनी डी मेरिट्स, अपनी पैथी की डी मेरिट्स, अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी लिमिटेशन नहीं पता तो आप सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकते। हमारे पास डेली 4-5 पेशेंट आते हैं गैस्ट्रोन के, जिसको हम जवाब देते हैं भी हमारे पास गैस्ट्रोन का ट्रीटमेंट 100% नहीं है। मैं जिसको सिंगल स्टोन होता है गैस्ट्रोन में उसको मेडिसिन देता हूँ, मल्टीपल को नहीं देता। क्यों? मल्टीपल स्टोन डिजॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है? तो उससे क्या है ना, नेगेटिविटी फैलती है यार, वो डॉक्टर मंगला जो चला जाए मेडिसिन दे ही देते हैं उसका। अब क्या है, डॉक्टर मंगला उसी को दवाई देते हैं जो ठीक होने वाला हो, ये बात आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तो मैंने 2-3 केस ठीक किए हैं गाल बैठ के, सिंगल स्टोन थे और एक बच्चा का केस था चंडीगढ़ से, उस डॉक्टर ने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले ने भी मेरा नंबर लिया भी कौन से डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया, और डॉक्टर ने सर्जन ने सर्जरी बताई थी उसकी, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है ना जैसे जैसे हम उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्यों बना वो चीज खत्म होगी तो डिजॉल्व हो जाएगा, मल्टीपल डिजॉल्व नहीं होंगे। और ये जो किडनी स्टोन है इसका साइज, अब क्या है ना, जैसे हमने बताया 18 mm के स्टोन हमने निकाले हैं, ठीक है, तो उसकी जो ब्रेड्थ है ना वो 7-8 mm की होती है। अब जैसे ये स्टोन है इस तरह 18 mm है, अगर इस तरह भी 18 mm है, 18 × 18 तो वो निकलेगा नहीं। तो हाँ जी सर, 18 × 18 mm, 20 × 20 mm, 15 × 15 mm, 15. अगर ये स्टोन ऐसे 7-8 mm का है और ऐसे लेंथ वाइज 18 mm है, तो जब ये निकलेगा यूरेटर से ऐसे गिर जाएगा नीचे वर्टिकल, आराम से निकल जाएगा, फिर थ्रू यूरिथ्रा पास आउट हो जाएगा, ठीक है? अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर हो गई तो निकलेगा नहीं, ठीक है? और ऐसे केस में अगर आप सभी लोगों को दवाई दोगे वो ठीक नहीं होंगे, उनको ऑपरेट कराना पड़ेगा, जो सर्जन के पास जाएगा तो आपके पेशेंट मैक्सिमम सर्जन के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा, यार ये होम्योपैथी वाले ना सभी को दवाई दे देते हैं,
अब हमारे एरिया में क्या है, जो यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो मेरे साथ हंसते हैं, मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर मंगला यार हमारे आधे से ज्यादा पेशेंट तो आप ही रख लेते हो, ठीक है ना, हम उसी को रखते हैं, उसी को मेडिसिन देते हैं जिसकी निकलने वाली। आप अपनी प्रैक्टिस में ये चीज जरूर सीखो, मैंने किसको दवाई देनी है किसको नहीं देनी। हर्निया है मतलब थ्री स्टेज टू स्टेज, उसको जवाब दे दो नहीं ठीक होगा वो कैसे, वो जैसे परफोरेशन मतलब पता ही है हर्निया क्या होता है, तो अंदर कैसे चलाएगा वो थ्री स्टेज, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज में तो ठीक हो सकता है। इसलिए सर मेरा एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बोला वो अगर उसकी लेंथ और विड्थ सेम है ना, 12-12 का, 15-15 का, 16-16 का, 17-17 का, लेंथ और विड्थ दोनों सेम है तो ठीक है, वो ज्योतिरा में आएगा नहीं, फंस जाएगा, तो सर उसके इसमें मदर टेंशन ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे हाइड्रेंजी वगैरह, क्योंकि वो भी एक होम्योपैथी का पार्ट है इमरजेंसी को डील करने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कहता होम्योपैथी पार्ट नहीं है इमरजेंसी डील करने के लिए। आज से जब तक ये सिस्टम नहीं था, हमारे जो पुराने डॉक्टर्स थे वो ये नहीं मेडिसिन से निकालते थे हाइड्रेंजिया और बैरिस और सिमम क्या है ना, ये भी हमारी मेडिसिन है, मदर टिंचर में हमारा पार्ट है, ठीक है, हाइड्रेंजिया में लिखा भी है, ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है ना, लेकिन क्या है ना, अपनी प्रैक्टिस का एक सिस्टम बन जाता है। मैं मेडिसिन दे रहा हूँ पेशेंट को और मुझे पता है ये मेडिसिन है इसकी, समझ आ गई मुझे, पता नहीं ये है तो इसमें पीछे का लॉजिक नहीं है, साइंटिफिकल नहीं है ये बात, थोड़ी सी है तो रिलीजियस भी, जितने विश्वास से मैं मेडिसिन देता हूँ उतने ही ज्यादा काम करती है वो। अगर देते समय मेरे में डाउट आ गया, जब देख लेते हैं, देखे मैं देख के देख लेने वाली बात नहीं करता प्रैक्टिस में, फिर तो ना वो मेडिसिन भी देख लेगी वो, आपको लगे और आप हाइड्रेंजिया दे दी उसको, हो सकता है 10वें केस में भी ब्रेक हो जाए, लेकिन मैंने आपको बोला है कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फास्फेट, ऑक्सैलेट वाला पार्ट नहीं टूटेगा, आप इसको ये पत्थर है मैंने देखे है ना निकले हुए, और ऑक्सैलेट वाला पार्ट पत्थर है बिल्कुल, जितना मर्जी उसे जोर लगा लो, और कैल्शियम फास्फेट वाला जो है ना वो भूल जाता है, ब्रेक हो जाता है वो इजली, हम उसका यूरिन टेस्ट करवाते हैं, सीरम केराटिन कराते हैं, ब्लड यूरिया करवाते हैं, ये देखते हैं भी जो किडनी है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं हुई, पेशेंट आया उसका किडनी का जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और मैं उसके 10 दिन क्यों खराब करूंगा, अगर मैंने उसको 10 दिन भी दे दिए, जिस भी सर्जन के पास जाएगा वो क्या कहेगा सर्जन, भी आपके गुर्दे सूजे सोज, आपके गुर्दे में सोज आ गई, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, आपका गुर्दा खराब होने वाला है, और ये हुआ क्यों, आपने 10 दिन खराब कर दिए, होम्योपैथी ने खराब कर दिए। आपको पता है डॉक्टर साहब हमारे होम्योपैथी जो हम करते हैं ना पॉजिटिव, हमारे दोस्त सभी उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे सिस्टम वाले जल्दी जल्दी, और अगर कोई केस ऐसे मतलब हो गया तो वो कहते हैं भाई आपका गुर्दा खराब हो गया, इसलिए खराब हो गया, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस तो आपको पहले था सेकंड ग्रेड में थर्ड ग्रेड में, हमने क्यों रिस्क लेना है, पेशेंट की लाइफ से कभी रिस्क ना लो। हम मैं अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट का बेनिफिट पहले बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट सेकंड में है, हमारा बेनिफिट पेशेंट के साथ बेनिफिट में है। अगर उसका हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, उसका ब्लड यूरिया ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन ठीक है, रिपोर्ट सारे ठीक है, तो चलो आप महीना 2 महीने वेट कर सकते हो, देख देख लो उसको, हाइड्रेंजिया दे लो, बैरिस दे लो, ठीक है ना। हाँ आपको पता होना चाहिए इसकी कंडीशन क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या है, IVP करवा लो उसका। अभी हमारे पास तो किडनी के जो पेशेंट डायलिसिस करवाते हैं, मैंने बहुत पेशेंट के डायलिसिस बंद करवाए हैं, बहुत पेशेंट के डायलिसिस को डिले करवाया है, मेरे पास बहुत पेशेंट चल रहे हैं डायलिसिस के, तो यही मेडिसिन देते हैं उनको जब वो मतलब
हिस्ट्री लेते हैं, जो भी मेडिसिन बनी उनकी। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी प्रवीण भाई। सर ऑनलाइन भी देखते हैं सर आप क्या? हाँ जी हाँ ऑनलाइन देखते हैं। अब बहुत फॉरेन में बहुत पेशेंट हमारे, ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन जाती है हमारी। सर सर नंबर आप इस पे डाल देंगे सर अपना मोबाइल नंबर? जी मेरा वो 98154। सर सर एक मिनट मैं खुद से डाल दूंगा ग्रुप में। राजेंद्र सर आपको ग्रुप में नंबर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। जी जी प्रणाम सर। सर सर प्रणाम जी। और ये सर से सच में सीखने वाली बात है, किडनी स्टोन के केसेस हैं या इस तरह की पैथोलॉजी के केसेस हैं, और जो इस तरह की उनकी मतलब प्रैक्टिस है, मैं तो बहुत बार उनके पास क्लिनिक में भी रहा हूँ, उनके घर में भी स्टे मैंने बहुत बार किया है, तो मैंने देखा हुआ है और वो रियल है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज जब ओपनिंग में ये चीजें बोली हैं तो बोलने के लिए बोला है, तो मैंने देखा है। तो वो बस 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट ऐसा पेशेंट को देते हैं, इतना हैवी ओपीडी रहता है। और मतलब जो किडनी स्टोन के हमको वो दिखा रहे थे सर, वो मैं ग्रुप में भी डालने वाला हूँ कि आपको उससे कॉन्फिडेंस आए कि एक होम्योपैथ क्या कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो हमको फीस देने के लिए रेडी नहीं होता है या अलग अलग तरह का माइंडसेट रहता है। वो तभी होता है जब हम खुद से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी रहती है, हम रिजल्ट देते हैं ना, तो फिर हम अपनी टर्म के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोगों को यही एफर्ट करना है कि हम होम्योपैथी को इस लेवल के ऊपर लेके आए, जैसे हमारे SP मंगला सर लेके आए हैं। और उनके एरिया में जाएंगे आप, और एरिया की ही बात नहीं है, आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन कंट्रीज जो हैं वहां तक उनकी मेडिसिन जाती है, ऑल ओवर इंडिया जाती है। और उनकी खूबी यही है कि वो 2-4 मिनट में केस को क्रैक कर देते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है उनकी। और बहुत मतलब इतना ऑब्जर्वेशन उनका मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि पेशेंट आता है और बस वो 1-2 मिनट ही लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। और इसमें सबसे ज्यादा वाइटल जो रोल प्ले रहता है वो ऑब्जर्वेशन का रहता है। वो इतनी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को कि आर्सेनिक है या नक्स भूमिका है। तो ये जो मैं बार बार आपको प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर रहा था ना, वो यही कर रहा था, वो यही हैं, यही चीजें हैं कि पेशेंट अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसने क्या किया, तो यही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो आप प्लीज आज की इस रिकॉर्डिंग जब भी हम 1-2 दिन में हमारे ग्रुप में डालेंगे, इसको बार बार सुनिएगा। और मंगला सर का मैं मोबाइल नंबर भी हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली भी उनसे कभी भी बात कर सकते हैं अगर बिजी हो तो आपको कॉल। रामपुरा पुल सर, बठिंडा पंजाब। हाँ सर जी, कैसा लगा सर? आप बार बार क्या कहते हैं? हाँ ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। सर एक क्वेश्चन था जी। एक मिनट है मंजीर मैम। सच में सर बहुत बढ़िया सेशन, छोटे छोटे केस लिए आपने, और वो किडनी स्टोन का जो साइज का आपने बताया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेंथ और विड्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज भी मैं कभी कभी सुनता नहीं, ये खुले सी एमएम ट्रैक में कैसे बैठा, मैं थोड़ा शॉकिंग होता था, लेकिन वो उसका लॉजिक था ना आपका, लेंथ और विड्थ का याद समझ आया, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। थैंक यू। हेलो हाँ बोलिए मंजरी मैम। जो मेडिसिन आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको सिंगल डोज देते हैं या रिपीटेशन में देते हैं, उसका डोज फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है? पहले हम तीन डोज देते हैं 15-15 मिनट बाद। हेलो सर, पहले 3 डोज देते हैं 15-15 मिनट बाद, उसके बाद हम उसको डिल्यूट कर फॉर्म में दे देते हैं SOS बना के। जैसे हमने 30 ml ले लिया SL DW डिस्टिल वाटर, DW लेके उसमें
5 ड्रॉप्स मेडिसिन की डाल देते हैं वो डिल्यूट हो जाती है और आप उसको 10 टाइम्स स्ट्रोक करना होता है, ऐसे 10 टाइम्स स्ट्रोक करके वो ले सकते हैं अगर उसको पेन दोबारा हो। उसमें क्या है ना वो 30 के आगे जाती है, 31 बन गई है ना, 32 और साथ में क्या है वो डिल्यूट फॉर्म में मतलब। और अगर मेडिसिन पेशेंट को कहे ना वो भी मेरा पहले से भी ज्यादा हो गया, जितना आराम आया उसे ज्यादा हो गया जब मैं आपके पास आया था, फिर मेडिसिन पावर चेंज कर देते हैं 200 आगे चले जाते हैं। अगर कहीं भी थोड़ा सा बढ़ाया दोबारा, क्योंकि जब अक्यूट फेज होता है ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो वाइटल फोर्स है मेडिसिन कम देते हैं, वाइटल फोर्स ठीक करते हैं ना, और उधर पैथोलॉजी एडवांस है ज्यादा है तो वहां पर डिल्यूट फॉर्म में रेपिटेशन देनी पड़ सकती है, दे भी देते हैं, देते हैं 2-2 घंटे बाद दे देते हैं जब ऐसे लगे कोई हाई टेम्परेचर है, वॉमिटिंग है, नोजिया है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको, आज मैंने सल्फर दिया उस बेटी को और उसका मुझे मैसेज आया अंकल अगर रात को दोबारा हो गया तो मैंने उसको आपको बताया ना भी आप डिल्यूट फॉर्म में ले लेना। मेडिसिन की ये डोज का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे मतलब जो एक्यूट पेन रहता है उसके साथ साथ में किडनी मतलब निकल भी जाता है उसी मेडिसिन से, सॉरी मतलब स्टोन निकल जाता है उसी मेडिसिन से, फिर तो उसको पीएल देके भेजते हैं और उसी मेडिसिन पावर एक दो बना देते हैं साथ में। एसओ अगर कभी ज्यादा हो तो वो ले लेते हैं फोन करके, क्योंकि बार बार बुलाना ठीक नहीं ना पेशेंट को, हमने उसको आर्सेनिक दिया, बेलाडोना दिया तो साथ में उसके 6-200 की डोज बना के दे देते हैं। ठीक है हेलो सर, ठीक है सर, हेलो, हाँ जी हाँ जी, यस सर, थैंक यू सर। ऐसा कोई पेशेंट हो जिसको टेंडेंसी हो रिपीटेडली होता रहता है किडनी स्टोन, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? उसमें क्या है ना वही देखो, हमारे पास कोई पेटेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है जो हमने उसको देनी है। पेशेंट आके कहता है उसकी वर्डिंग क्या है, ठीक है ना, भी रेपिटेशन हो रही है क्या कहता है, वो सारे नोट करके जो उसकी सिलेक्शन होती है मेडिसिन की वो दे देते हैं उसको, उसको 0-1 में देते हैं, अभी महीना ले ले उसकी इम्यूनिटी बन जाएगी और जो प्रोसेस है उसका बनने वाला, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, वो स्टोन नहीं बनेगी उसको। ओके सर, सर इसमें सिस्ट वगैरह भी ठीक हो सकता है क्या, जैसे लिमिटेशन की बात कर रहे थे हम लोग, जैसे रीनल सिस्ट वगैरह भी रहता है, सिस्ट केस मैंने 2-3 ठीक किए हैं, मैं आपको सभी भेज दूंगा पेशेंट की, वो मेरे पास मैंने शायद हमारा जो पंजाब का ग्रुप बना हुआ उसमें मैंने डाला भी था मेरा जो एक केस लीवर सिस्ट का। क्योंकि उसको चाहिए बार 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 चाहिए उसको फोर्स, मतलब सिस्ट है ना वो, साइलेंट है, साइलेंट है, कोई सिम्टम तो दे नहीं रही वो, पैथोलॉजी भी होगी उसकी, तो उसको हमें रेपिटेशन चाहिए मेडिसिन की, मतलब उसको हम रिपीट करते हैं डेली डेली। यस सर, सर 0-1 आप मतलब कैसे डायरेक्ट देते हैं कि डिसॉल्व करके प्रिपरेशन में कुछ देंगे और फिर डेली उसको स्ट्रोक्स देके देना है कि सिर्फ वैसे टाइम टाइम स्ट्रोक करके? ओके ठीक, थैंक यू सर। और 0-1 सर दिन में 3 बार देना है कि 4-5 बार? ओडी देते हैं एक बार बस, एक बार, ठीक है सर जी। तो आज की इस शानदार बीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं प्लीज। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो जो नेक्स्ट वीसी रहेगी, नेक्स्ट सेशन रहेगा,
उसमें आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमको एक बार में नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा आप भी पेशेंस प्लीज रखिए। तो आज के सेशन में मतलब 15-20 साल की 25 साल की जो प्रैक्टिस है मंगला सर की, और स्पेशली स्टोन केसेस को लेके है, किडनी स्टोन केसेस को लेके है, उसके बारे में बताया है, और उसके अलावा भी बताया है कि पोटेंसी आपको कैसे देना है और पेशेंट को ऑब्जर्व कैसे करना है। जो सबसे मेरे को उनका सबसे प्यारा पार्ट जो लगता है ना, वो ये नहीं लगता कि वो 2 मिनट में या 4 मिनट में मेडिसिन देते हैं। सबसे अरविंद सर का पॉज हो गया, प्रवीण सर आवाज बंद हो गई, आप साइलेंट हो गई, आप शायद नेट का मसला हो सकता है कोई। बिल्कुल। हेलो सर, मुझे आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। आपके लास्ट सेशन, एक सेशन में मैंने नर्स भूमिका का सुना था, जिसमें आपने वो पेशेंट लाफ कर रहा था पेन के वक्त, तो उस हिसाब से आपने नक्स भूमिका दिया था, तो वो ऑब्जर्वेशन मुझे एक पेशेंट में मिली थी एक्यूट में, और मैंने भी वो यूज करके देखा, तो एक 4 से 5 घंटे में वो रिलीफ हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जो जो हमने बताया है ना आपको, वेलकम मैडम, वेलकम। जो हमने बताया है ना, वो हमने बुक्स में से स्टडी करके नहीं बताया, वो हमने अपनी प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ डेली, उससे मतलब वही चीज बताई है मैंने। आम तौर पे जो हम एक मतलब सपोज एक मेडिसिन बतानी हो, एक मेडिसिन बताने में और 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाता है, और उसमें वो बात होती है वही 2-3-4 बातें, उसके बाद तो हमारे पास मटेरियल मेडिकल है, हमने पढ़ा स्टडी भी किया है, पर वही सारे रूब्रिक वही चीजें, तो मैंने आपको वही चीजें बताई हैं इन शॉर्ट में। जो आप कल से प्रैक्टिस में देखोगे तो कोशिश करो, कोई बात नहीं, किसी की वीडियो बना लो, आपको नहीं समझ आ रही मुझे भेज दो, मैं आपको बता दूंगा मेडिसिन क्या है, और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, फिर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो यार 2 मिनट में निकल गया। अब आपको सुनने में लगता है ये तो बेलाडोना है, ये आर्सेनिक है, ये ब्रेनिया है, ये नक्स है, सल्फर है, लेकिन जब पेशेंट बैठा सामने ना, तब नहीं ये इसी में आता भी क्या कह रहा है, पेशेंट तो रो रहा है ना, है तो रो रहा है, और 1 मिनट में हमें तो समझ नहीं आ रही उसको क्या दें। कोई बात नहीं, आपने जल्दी नहीं करनी, आपने 2 मिनट नहीं लगाने, आपने 5 मिनट लगाओ आप आराम से, धीरे धीरे आपको 5 मिनट से 4 मिनट आएगा, 4 मिनट से 3 मिनट आएगा, आपने जल्दबाजी करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप 5 मिनट बात सुनो, हाँ सुन के अच्छी तरह लिखो, लिख के उसकी 2-3 मिनट की वीडियो बना लो, मुझे भेज दो, कोई बात नहीं, आपके पेशेंट निकलेंगे, स्टोन निकलेंगे आपके, तो आपको खुशी होगी, ठीक है। थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू फॉर द सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंट नॉलेज यू शेयर्ड विद अस। ठीक है सर, जी सर, सबके लिए आप जी। मेरा फ्रीज हो गया था नेटवर्क इश्यू के चलते, तो ये नॉलेज आपको मिलता रहेगा, जी जी, ये नॉलेज आपको मिलता रहेगा इसी तरह से, कि आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट जो है वो और अच्छा हो जाए। मंगला सर अभी आप फ्रीज हो गए हो, अभी मैं नहीं नहीं मैं वैसे ही सुन रहा हूँ, चलो ठीक है, बस गुड नाइट, जी जी जी, यस सर, कुछ शेयर कर रहे थे उस टाइम जब आप फ्रीज हो गए थे। अरे सर, हाँ जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है सर, ओके भाई जी। नहीं परवीन सर, आप कुछ शेयर कर रहे थे जब आप फ्रीज हो गए थे मोहंती सर के बारे में, आप फ्रीज हो गए जब
नहीं नहीं सर, मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रहा था, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मंगला सर हैं, महंत मनीष सर ऐसा कर रहे, जब मंगला सर के बारे में आप कुछ बता रहे थे ना, आप फ्रीज हो गए थे। ओके, कोई अच्छी बात? अच्छा जी, मैं एक्चुअली ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मंगला सर जो है ना वो बहुत अर्डेंट और मतलब स्टूडेंट रहे हैं सहगल सर जो हैं हमारे, उनके मोहंती सर के, और मतलब हर सेमिनार में वो अटेंड करते थे, और मेरे को पर्सनली पता है क्योंकि मैं उनसे पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके बाकी के जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने उतना वो नहीं दिया उनको कि वो सेमिनार अटेंड करना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मंगला सर जाते रहे, सेमिनार अटेंड करते रहे। तो अभी आप बिलीव नहीं करोगे उनका जो प्रैक्टिस है ना, तो मैंने पर्सनली इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो थोड़ा सा ज्यादा दूर है, अगर ज्यादा नहीं होता ना मेरे लिए थोड़ा अप डाउन इजी रहता, तो मैं ये करता रहता बहुत इजीली, वहां से इतना सीखने को मिलता है, और इतना कमाल का ऑब्जर्वेशन है आप, मतलब हाथ पांव फूल जाते हैं। हमारे पास कुछ एक्यूट के साथ है ना सच में, क्योंकि मैंने वहां पे टाइम स्पेंड किया है, और बहुत एज ए फैमिली मेंबर किया है, जो मैं बड़ा भाई बोलता ना वो फॉर्मेलिटी में नहीं बोलता हूँ, वो मैं सच में वहां पे स्पेंड किया है। तो आता है ना पेशेंट, इतना इतना पेन है उसको, और सर उसको इतना काम होके उसको देखते हैं, बात करते हैं, हाँ भाई जो हम पंजाबी में बोलते हैं ना उस तरह से बात करके, क्या हुआ तेरे को, और बस 2 मिनट उसके ऊपर देते हैं और उसको मेडिसिन देते हैं, और इतनी एक्सट्रीम पेन में, अनबियरेबल पेन में पेशेंट होता है और वो सेटल हो जाता है। ये खूबी है सर की। आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मंगला सर से प्लीज प्लीज आप जरूर सीखिए, और अगर आप सीखेंगे और बाकी भी उनके, जी जी वो देते हैं, ऐसा नहीं है कि सर पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, इसके अलावा भी आपको हर तरह के टिप्स देंगे, जो मैं आपको मतलब मैंने उनको इंट्रोड्यूस करते समय बोला ना बड़ा भाई, तो ऐसे नहीं बोला वो, मतलब एक बड़े भाई की तरह आपको उस तरह से गाइड करेंगे कि हाँ आपको इसमें कैसे करना है, इसको कैसे करना है, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। फिलहाल तो हमें यही सीखना है कि पढ़ना कैसे सर, फिलहाल तो अभी तो यही सीखना है पढ़ना कैसे, आपके लेवल की तो बात बहुत दूर दूर तक की बात है, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, उस एक फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है सर, वही पे आप डायरेक्शन करो तो बहुत आपका आभार। यस सर, सही बोल रहे हैं, वही सीख, पढ़ना कैसे है, मतलब केस कैसे लेना है बस, ठीक है ना, मेन पहले लिसनर सुनना है बस, सुनना सीख जाएंगे ना, बोलना नहीं, पूछना नहीं, बस सुनना है वो क्या कहता है, बस आधा सीख गया। एज अ स्टूडेंट भी सर, क्योंकि मैं तो एक्चुअली लास्ट ईयर में हूं, तो मैं इसीलिए सर इस तरह से मैं तो डायरेक्शन मांग रहा था, क्योंकि मैं हर गुरु से पूछता हूँ। कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे सब रे बना, धीरे धीरे सब कुछ होए, पंजाबी कहते हैं काली अगे होए सब हो जाएगा भैया, है जी सर, ठीक है जी, क्या सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर SP मंगला सर का बहुत बहुत आभार आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए, और मेरे को पर्सनली पता है कि मोहंती सर के साथ उनका क्या अटैचमेंट रहा है, कितना पुराना वो अटैचमेंट है, और पर्सनली मैंने उसको देखा हुआ है, और पर्सनली सर के साथ मैंने उसको जिया हुआ है, और ये जो उनके प्रैक्टिकल टिप्स है ना, ये जो मतलब देखने में हमको छोटे लगते हैं कि यार मतलब आर्सेनिक आया, नक्सबोमिक आया, और वो बस एक दो वर्जन में हमको बोल दिया, ये हमको छोटा लगता है, लेकिन ये छोटा है नहीं, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ आता है, और जब हमारे पास ऐसा अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है तभी हम इस तरह से केसेस को मैनेज कर पाते हैं, और तभी पेशेंट के पास भी ये फेथ आता है, या उसके मन में ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मेरे को एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना है, मैं मंगला सर के पास जाऊंगा और मैं वहां से ठीक हो जाऊंगा, और वहां से ठीक होने का भी उसको फेथ है,
और ये मैंने पर्सनली देखा हुआ है वहां पे। तो हम सभी को इस तरह का होम्योपैथ बनना है और होम्योपैथी का नाम रोशन करना है कि हम जिस भी एरिया में हैं वहां पर हमको होम्योपैथी की वजह से लोग जाने, हमारे नाम की वजह से जाने। तो ये तभी होता है जब हम हार्ड वर्क करते हैं और डेडिकेटेड होते हैं। थैंक यू सर आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए और आपने इतनी प्रैक्टिकल टिप्स दिए। ओके बाय गुड नाइट। मेरे को ज्यादा अच्छा तभी लगता अगर मैं आपके पास वहां पे रहता। आप एवरी डे धमाके कर रहे हो, कल भी परसों भी धमाका, कल भी बहुत। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कुछ भी धमाके नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं ना, असली धमाके वही कर रहे हैं। और अगर मैं ना सच में मेरे मन में यही था, मोहंती सर का बर्थडे था ना, तो मेरे मन में ये था कि मैं मंगला सर के पास रहता तो थोड़ा कुछ ऐसा इशू हुआ कि मैं जा नहीं पाया उनके पास। तो उनका जब बात हुआ था हमारा, तो यही था कि तूने मेरे पास आना था। तो मैंने सर को बताया कि सर सॉरी मैं नहीं आ पाया। सच में अगर वहां पे जाके रहते ना हम, तो आज के सेशन को और ज्यादा एंजॉय करता। मेरे को थोड़ी सी मेरे दिल में मतलब वो टस्क है कि मैं मंगला सर के पास जाके आज का ये सेशन नहीं कर पाया, लेकिन उनका नेक्स्ट सेशन जब भी रहेगा तो उनके पास जाके करने वाले हैं। और उनके पास सीखने के लिए इतना जबरदस्त है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज इतना जबरदस्त है। और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे सर ने बोला ना कि आपके पास पेशेंट आया है, वो आपको हिस्ट्री दे रहा है, एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वाइटल पॉइंट है। तो ये इसमें सर मास्टर है, तो ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके बाय। आज थोड़ा सा ऐड तो कर दीजिए सर, थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, सिंपली बाय मत कीजिए, मतलब थोड़ा सा जी। क्या थैंक यू। और इसने बढ़िया ये ग्रुप चला रखा है आईएच फैमिली, ठीक है। सभी मेरे दोस्त जो इस ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, तो मैं तो यही अपनी ओर से उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो आने वाले दिनों में अपना नाम अपने एरिया में एक अच्छे होम्योपैथ बन के आए निकले। और हमारी ओर से कभी भी आपको जरूरत होगी हम, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं। और परवीन भाई जो मेरा इतनी तारीफ कर रहा है, ये खुद इतना बढ़िया है, है? एक दो इसमें है थोड़े से वो वो बोल दीजिए सर, जो मेरे में मतलब जो मेरे में नेगेटिव चीजें है ना, बोल दीजिए, वो ग्रुप मेंबर्स को भी पता चल जानी चाहिए, कोई बात नहीं। और मैं उनको छुपाना भी नहीं चाहता हूँ, वो है जो मेरी एक दो चीजें पर्सन में होती है, कोई बात नहीं। जैसे ने बोला अभी मैं आज आना चाहता था, तो इसका खाना आज रामपुरा नहीं था, है जी। तो कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, अच्छा है, मैं अच्छा ग्रुप चला रहे हैं, बढ़िया है, मेरी बेस्ट विश है, ठीक है। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, ओके, थैंक यू प्रवीण सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।